गुजरात के वडोदरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक टीचर और विद्यार्थी के रिश्ते को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज एक फरियाद 16 वर्ष की जो बच्ची है उसकी माँ ने दाखिल करवाई है। उसकी बच्ची के साथ में जहाँ वो ट्यूशन जाती थी उसका जो ट्यूटर था, शिक्षक था बायोलॉजी का, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। यहाँ मांजलपुर इलाके का एक टीचर जो कि एक छात्रा को नंबर बढ़ाने का लालच देकर उसके साथ यौन उत्पीड़न करता रहा और छात्रा की वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी देता रहा और उसको नंबर एग्जाम में नंबर ज़्यादा दिलवाने का लालच देकर, और ये कहा गया कि आपकी वीडियो क्लिपिंग बनाई गई है तो आपको उसका वीडियो क्लिपिंग की धमकी देकर उसके साथ 3-4 बार रेप किया गया। पीड़ित के पिता की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर पर मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। यस, अभी हमारी कस्टडी में है और हम पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीचर वडोदरा के किसी नामी स्कूल में कार्यरत था और वो अक्सर छात्राओं को नंबरों को बढ़ाने का लोभ देता था। वहीं फिलहाल पुलिस तय तक जाने के लिए टीचर से पूछताछ कर रही है। हमारे तक ये मैटर आया है तो हम इसकी तपास करेंगे। क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या किया? गिरफ्तारी अभी हम पूछताछ चालू है और पूछताछ करने के बाद अब सवाल ये उठते हैं कि क्या परिजन अपने छात्राओं को पढ़ाई के लिए शिक्षक के पास भी भेजना बंद कर दें या हर उस शिक्षक को भी शक की नज़रों से देखा जाए जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। ऐसे सवाल तो बहुत उठते हैं लेकिन इनका जवाब किसी के पास नहीं है। अब पवित्र शिक्षा के नाम पर भी बेटियों से यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने लगे हैं। देश और अपने प्रदेश की खबरें जानने के लिए हमारा YouTube चैनल ENB News सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।